दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करियर मेकर्स। आज हम फिर हाजिर हैं SSC GD प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के पेपर्स के एक नए पेपर के साथ, जो लिया गया था दिनांक 12 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में, और ये पेपर का क्रमांक था। आइए बात करते हैं इस पेपर में पूछे गए सवालों। पहला ही सवाल डिक्शनरी का है। सवाल आपको कह रहा है, निम्न विकल्पों में से वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब आपको क्रम निकालना है। देखिए, इसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ए से आपको कुछ नहीं, यहाँ एन मिल गया। मतलब एक चीज पक्की है कि ये पांचवा है, पांचवा नंबर, पांचवा इसमें है, मतलब ये दोनों कट। अब यहाँ पे एक देख लीजिए, फर्क किस में, 5-2-1, 5-2-1, 4-3, मतलब अगर आप पहला निकाल दो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, सी के बाद ओ है और सी के बाद एच है। ओ इनमें से पहला कौन सा होगा, मतलब पहला कौन सा होगा, चौथा, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक एक। यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं, जब कभी भी रीजनिंग में आप सवाल लगाइए, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पूरा सवाल हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक बात बस ध्यान रखिए कि आपको जो देखना है वो ये देखना है कि चार में से कौन सा आपका उत्तर हो सकता है। यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा पी ई ए सब में कॉमन था, लेकिन यहाँ पे एन था, मतलब ये वाला तो लास्ट में ही आएगा। ठीक है, इससे मुझे दो उत्तर मिल गए। फिर मैंने देखा इन दोनों में अंतर क्या है, 5-2-1-3, 5-2-1-4, इन दोनों में चार और तीन का, मतलब अगर पहला मैं ढूंढ लू, पहला अगर मैं देखू तो यहाँ एन था, यहाँ एस, तो ये दोनों तो पहले हो नहीं सकते, सी सी ये दोनों कॉमन था, मैंने अगले वाले में नजर डाली तो एच है, मतलब पहला ये वाला है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल नॉन वर्बल रीजनिंग से, ठीक है, देखिए बीच वाले को हम पकड़ते हैं, यहां से गया है, फिर यहां से गया है, फिर यहां से गया है, तो अगली बार यहां से जाएगा, मतलब स्टार कहां पे आएगा, बीच में। देखिए पहली बार यहां से गया है, फिर यहां से गया है, अगर आप देखिए, चलिए मैं इसकी बात करता हूं, पहले मैच एक ये हो गया। देखिए ये काला वाला चतुर्भुज कहां पे बना हुआ था, यहां पे, फिर कहां पे बना हुआ है, यहां पे, फिर कहां पे बना हुआ है, यहां पे, फिर यहां के बाद कहां पे बना हुआ है, फिर बीच में। अब देखिए जो बीच वाला है वो कहां जा रहा है, इस जगह पर, जो बीच वाला है वो जब यहां पे आने के बाद फिर वो किस जगह पे जा रहा है, इस जगह पर। ठीक है, या तो फिर ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, तो अगले वाले यही तीन बनेंगे, यही बनेगा। ठीक है, तो यहां से वो किधर जाएगा, इस जगह पर, मतलब यहां से इसको इधर जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात एक चीज और आप देखिए, पहली बात तो ये इस तरफ तीन बनेंगे, इस तरफ तीन बनेंगे, इस तरफ तीन बनेंगे, मतलब दूसरा नंबर तो आपका यहीं से करा। देखिए ये वाला हिस्सा है, पहले ये तीनों ऑक्युपाइड थे, फिर देखिए, सॉरी, पहले ये तीनों ऑक्युपाइड थे, फिर ये तीनों ऑक्युपाइड हो गए, फिर ये तीनों ऑक्युपाइड हो गए, फिर इसके बाद ये तीनों ऑक्युपाइड हो गए, तो अगला नंबर ये वाले ऑक्युपाइड होने का ही आएगा, मतलब जैसा पहला है, ये तीनों सही हो सकते हैं, ये वाला गलत है। अब आप देखिए इनमें फर्क देखिए, इनमें अगर मैं बीच वाला निकाल दूं तो मुझे तुरंत आंसर मिल सकता है, या तो फिर मैं स्टार का निकाल दूं, या तो मैं चतुर्भुज का निकाल दूं, या तो मैं गोले का निकाल दूं। अब आप खुद एक बात देखिए, बीच में आ कौन रहा है, बीच में कौन सा आ रहा है। देखिए यहां पर ये वाले फिगर से ये वाला जो किनारे वाला है ये चला गया, ठीक है, इस वाले फिगर में बीच में कौन सा आ गया, इधर वाला, ठीक है, यहां से गया, फिर यहां से गया, फिर यहां के बाद यहां से गया, फिर यहां के बाद यहां से जाएगा, मतलब बीच में कौन सा आएगा, स्टार, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। ज्यादा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे ये स्टार था, ये हो नहीं सकता, चतुर्भुज यहाँ से हो नहीं सकता, ये जो गया हुआ है वो कहाँ से गया है, पहले आप देखिए, पहले ये वाला बीच में गया, ये वाला, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर ये वाला, फिर तीसरे नंबर पर ये वाला, तो चौथे नंबर पर ये वाला जाएगा, और इस जगह पे यहाँ पे कौन है, स्टार है, मतलब अगले बार ये फिर से स्टार ही आना है, या ऐसे भी देख सकते हैं, एक बार स्टार नहीं है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, अगली बार स्टार ही आएगा। ठीक है, तीन चार तरीकों से इस सवाल को देखा जा सकता था, पहला ये,
ये अगली बार इधर का तीनों पहला, दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो बीच में जो जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, यहाँ से ये वाला गया, फिर ये वाला गया, फिर ये वाला गया, तो अगली बार ये वाला जाएगा। यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे स्टार है, तो देख लीजिए स्टार बीच में केवल चौथे नंबर पर है, इसलिए आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, ओह ज्यादा दिख रहा है क्या, दो तेरह दूनी छब्बीस, पांच दूनी दस, तीन तेरह, तेरह दूनी छब्बीस, तीन उनतालीस, ओ ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, पहले मैं इसको आपको इसको चेक कर देता हूँ। देखिए यहां पर कितने का अंतर है, आठ का, यहाँ पे कितने का अंतर है, सोलह का, इस जगह पर कितने का अंतर है, 125 और 3 128 का, एक तरीका तो ये था। तो 16 के बाद 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, एक तरीका तो ये था। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11, 3 2 5 और 1 6, 62 उत्तर आएगा, ठीक है, 9 2 11 सॉरी 61 आएगा। एक तरीका और था, देखिए 5 13 29 125 253, देखिए पांच दूनी दस, तीन जोड़ दिया तेरह, तेरह दूनी छब्बीस, तीन जोड़ दिया उन्तीस, 125 दूनी 250, तीन जोड़ दिया 253, 29 दूनी 58, तीन जोड़ दोगे 61, ये उत्तर। अगर यहां से किया होता तो भी था, मतलब ये एडिशन के फॉर्म में भी पकड़ में आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी पकड़ में आ रहा है, ठीक है। जैसा आपका उस समय दिमाग काम कर जाए वैसे करके आप सवाल को लगा सकते हैं। इसमें देखिए ट्रुथ, ट्रुथ वही तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, देखिए ये यू है, यू क्यू भी एस आई, ठीक है, देखिए टी यू क्यू आर, एक बात फिर एक पहले, फिर एक बात फिर एक पहले, फिर एक बात, ठीक है। अब आपको निकालना किसका है, व्हाइट का, अब देखिए ये व्हाइट का, डब्लू, डब्लू के बाद क्या होगा एक्स, एच के पहले क्या होगा जी, आई के पहले क्या होगा एच, टी के बाद यू, ई के पहले क्या होगा डी, ये आपका उत्तर है, एक्स जी एच यू डी, एक्स जी एच यू डी, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहां बाद यहां पहले ये व्हाइट है, तो यहां बाद ना होगा और यहां पहले और यहां बाद, एक्स जी जे एस एफ, ये आपका उत्तर है, एक बात एक पहले, एक बात एक पहले, एक बात, ये तो यहां पे आप देख ही लिए थे, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की, चलिए देखते हैं क्या है मामला, 169 से 182 कितने का फर्क है, ये 13 का, फिर 225 से 240 कितने का फर्क है, ये 15 का, ठीक है, फिर ये 306 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये 13 ये 15 तो ये कितना होना चाहिए 17, 16 में से 7 चला गया 9 और 29 में से 1 चला गया तो 28, 289 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, यही आपका उत्तर है, मतलब हमने जो देखा वो बिल्कुल सही था, 13 का फर्क, फिर 15 का फर्क, फिर 17 का फर्क, अगला होता तो 19 का फर्क, पिछला होता तो 11 का फर्क, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की, जी एच की पुत्री, मतलब ये वाला जो निशान है वो इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। पहला क्या है, ए प्लस क्यू, ए प्लस क्यू, ए क्यू की पुत्री है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, क्यू आर का पति है, ठीक है। फिर क्या है, आर प्लस के, आर के की पुत्री है, ठीक है। के माइनस वाई, के माइनस वाई, ठीक है, के वाई का पति है, ये प्लस ये माइनस डबल है। पूछा क्या है, तो के ए से किस प्रकार संबंधित है, के एक जनरेशन ये, एक जनरेशन ये, मतलब दादा या नाना, दादा या नाना, एक जनरेशन, मदर फादर अंकल आंटी, फादर इन ला मदर इन ला, उसके एक और जनरेशन ऊपर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, क्योंकि के बारे में क्लियर हो गया, के पुरुष है
ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर या तो दादा होंगे या तो नाना होंगे, चूंकि अगर दोनों ऑप्शन में होते तो हमें एक बार और सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन में है ही नहीं, नाना बस है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या बनाया हुआ है, ए आर सी एस, वो बनाया हुआ है ई एन एच एन, बी सी डी ई एन ओ पी क्यू आर। देखिए नंबरिंग करें अगर इसकी, तो एक है ये, पांच है, प्लस चार हुआ यहाँ पे, 18 है, 13 है, यहाँ पर माइनस पांच हुआ, ये तीन है, ये आठ है, प्लस पांच हुआ, ए के बाद ई है क्या, एन 14, स्टूडेंट 19, माइनस 5, ए के बाद ई कैसे आ गया, माइनस 5 प्लस 5 का मामला है। देखिए जी, जी का नंबर कितना हो जाएगा, 7, ए का नंबर 11, एच का नंबर 8, डी का नंबर 4, ए का नंबर 1, एफ का नंबर 5, अरे यार एन का नंबर 14 है, सॉरी, ठीक, प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 5। अब देख लीजिए इसको, ये कितना है, देखिए ये 13 है तो 13 का 18, क्यू भी 21 है तो 21 का 17, स्टूडेंट 19 का 24, के 11 का, अब आप निकाल लीजिए, 18 किसका होता है, आर का, 17 किसका होता है, क्यू का, 24 किसका होता है, और 6 किसका होता है, एफ का, शुरुआत में आर लास्ट में एफ, 17 होगा ये, सॉरी 13 4 17, 17 17, डबल 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 डबल, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 13 है तो 13 का कितना होगा, प्लस 4 17, 21 में माइनस 4 17, 19 में प्लस 5 24, 11 में माइनस 5 6। अब देखिए 17 किसका नंबर है, क्यू का, 17 किसका नंबर है, क्यू का, डबल क्यू केवल यहां पर है, आप इसी को टिक कर दीजिए। अगर आप 24 देखेंगे तो 24 किसका है, एक्स, और 26 किसका है, एफ, ये आपका उत्तर है, क्यू क्यू एक्स, अब यहाँ पे आपका उत्तर आ गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की, 6 लड़कियां वृत्ताकार में केंद्र की ओर, ठीक है, 2 4 6, 6 लड़कियां वृत्ताकार में, अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो क्या होता है, ये वाला हिस्सा किसके लिए है, सॉरी ये वाला क्या है, बाया, ये क्या रहेगा, दाया, बस ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए सवाल में आपको दिया क्या है, एस आर के बाई ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, ये है आर और एस बैठ गए, पी आर के दाई ओर ठीक बगल में है, पी आर के दाई ओर है तो ये बैठ गया, एम आर के बाई ओर ठीक बगल में, एम ये बैठ गई, के एस के दाई ओर, के एस के दाई ओर ठीक बगल में, ये बैठ गई, और एम के बाई ओर ठीक बगल में, एम के बाई ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, के एस के दाई ओर, यार सॉरी एस के दाई ओर है, एम के बाई ओर, ठीक है, और क्या बोल रहा है, डी के बाई ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बच्चा कौन है, डी, डी के बाई ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा हुआ है, एम, उत्तर आपका चौथा, कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल आपको दायां बायां ध्यान रखना, चूंकि ये केंद्र की ओर मुकर के बैठे हुए हैं। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, हो मैथमेटिकल सीरीज किस पे ध्यान देना है, भाग पे, 13 6 78, ठीक है भाई, भाग को अगर नहीं भी बदलेंगे तो काम चल जाएगा, तो बिना भाग वाले कौन से हैं, प्लस और माइनस, यहाँ प्लस कर दो यहाँ माइनस कर दो, ठीक है, 13 6 78 ऋण 3 आएगा,
ऋण तीन और ये कितना 117 नैया, ये गड़बड़ है, गुणे को बदलना पड़ेगा, मतलब ये अभी फिलहाल में मत लो, धन और गुणा का लो, यहाँ धन यहाँ गुणा, 13 6 78, 6 3 18, 18 18 में से 9 चला गया, 9, 117 और 9 126, ये आपका उत्तर है। तीसरा नंबर क्या है, देखो आप सवाल को, धन और गुणे को बदलना है, तो 3 × 78/13, 13 6 78, यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई 18, फिर माइनस कितना है 9 और धन कितना है 117, ठीक है, 18 में से 9 गया, 9 और 117 के साथ जोड़ देंगे 126, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, भाग को बदलना नहीं था इसलिए ये दोनों हमने पहले ही ले लिए, इसको हमने चेक किया तो उत्तर 117 में 9 का गुणा करेंगे तो 1000 के ऊपर आना चाहिए था, लेकिन उत्तर हमारा कितना है 126। बात करते हैं अगले सवाल की, दूसरे ट्राइकोडिक डिस्टेंट फेस को ह्यूमन सेट, फेस स्टेयर्स को सेड ओवर पावर, डिस्टेंट कप को ह्यूमन टी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो फेस का, फेस कहाँ कहाँ पे है भाई, फेस कहाँ कहाँ पे है, एक तो इस जगह पर है और एक तो इस जगह पर है, और कहीं है क्या फेस, डिस्टेंट कप नहीं है, नहीं है, फेस यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में फेस आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिए आपको बोल क्या रहा है, लिख देता हूं मैं, पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंट फेस को क्या बोल रहा है ये, ह्यूमन साइड, फिर क्या बोल रहा है, फेस स्टेयर्स, फेस स्टेयर्स इसको क्या बोल रहा है, सेड ओवर पावर। अब आपसे पूछा किसके बारे में गया है, फेस के बारे में, तो देखिए फेस यहां भी आया है, यहां भी आया है, ये दोनों अगर कॉमन है तो यहां भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, यहां मैं क्या देख रहा हूं, सेड यहां पर भी है, सेड यहां पर भी है, मतलब ये किसके लिए है, फेस के लिए। अब मेरे से अगर ह्यूमन का पूछता तो डिस्टेंट है, स्टेयर्स का पूछता तो क्या हो जाता, ओवर पावर हो जाता, आपसे फेस के बारे में पूछा हुआ है तो फेस के लिए कोड क्या है, सेड। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, इधर से बना, जे के छोड़ के एल, एम छोड़ के एन, ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़ के आर, एस छोड़ के टी, तो जे, जे के पहले क्या होता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, आई जे, आई छोड़ के एच हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एच, आई छोड़ के जे, के छोड़ के एल, एक एक अक्षर छोड़ के आगे बढ़ा हुआ है, सवाल में कोई दम नहीं है। फिर से वही वाला सवाल, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए भागे जा रहा है भाग, इसको अगर आप देखिए तो कितना आ रहा है 210, 210 और 8 218, घटा देंगे 200 आएगा, मतलब एक तो अगर हम गुणे को बदल पाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो पहले तो आप गुणे वाले को देखो, गुणे और धन, इसको देखो आप, यहां पर मैं धन कर दूं, यहां पर मैं गुणा कर दूं, ठीक है, तो अब आप देखिए क्या स्थिति आएगी, 3 × 32 4 8 32 8 3 24 24 2 26 26 70 96, 96 में से 16 घटा देंगे 80 आ जाएगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ मामला 72 धन 3 × 32/4 4 8 32 8 3 24 और माइनस कितना है 16 है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 72 + 24 - 16 8 72 और 8 80 आ रहा है 136, मतलब ये वाला मामला नहीं हो सकता। गुणे और भाग को अगर मैं बदल दूं, गुणे और भाग को, मतलब ये सवाल बोल रहा है 72 / 3 धन 32 × 4 - 16, ये करने के लिए, तो 72 में ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12 और माइनस कितना 16, 24 में से 16 गए 8, 128 में 8 जोड़ देंगे 136, मतलब पूरा मामला। ठीक है, ये हमने पकड़ा कैसे, देखिए भाग पर हमने फोकस नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि भाग हमारा कट रहा था 4 8 32, ये कट रहा है, लेकिन जब हमने देखा कि जो एक्चुअल सीरीज है ये कितनी है 70 210 210, मतलब ये 216 हो जाता, 216 में अगर मैं 8 जोड़ देता तो 224 हो जाता, मतलब मामला 200 के ऊपर जा रहा था, तो हमारा फोकस किस पर चला गया कि गुणे को बदलना है, गुणे को बदलना, तो हमने सबसे पहले गुणे और धन को चेक कर लिया, फिर अगली बार हमने गुणे और भाग को चेक कर लिया। बात करते हैं अगले सवाल की, दी गई आकृति देखिए मिरर इमेज है, अब मिरर इमेज है जे की, ये इधर है तो इस तरफ जाएगी, ये वाला गलत, क्यों ये वाला गलत, क्योंकि ये वाली जो बिंदी है वो यहाँ पे नहीं है, ये दोनों सही, देखिए ये वाली जो पुच्छी है ये इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली,
अब इनमें फर्क देखिए, JUD26, JUD26 ठीक है, फिर L, L के बाद है 5, ये भी ठीक है, 3, E इसमें बड़ा बना हुआ है, इसमें E छोटा है, ये वाला भी गलत है, E इसमें छोटा है, E, A, A, A बड़ा है, इसमें छोटा बना हुआ है, ये भी गलत, ये वाला से। देखिए सबसे पहले हमने केवल J को देखा, J को देखा तो ये वाला कट हो गया। अब ये तीन ऑप्शन आ गए तो इसमें मिला लीजिए, JUD26, JUD26, L5, 3B। अब यहाँ पे पकड़ में आया ई, ई यहाँ पे बड़े फॉर्मेट में है, यहाँ दोनों छोटे फॉर्मेट में, यहाँ ई वास्तव में छोटे फॉर्मेट में था तो ये तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से उत्तर आएगा। फिर अगला अंतर मुझे इन दोनों में क्या देखने को मिला, ए यहाँ छोटा है, ए यहाँ पर बड़ा है, लेकिन ए कौन सा है, बड़ा है, इसलिए बड़ा ही बनेगा, इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा। ट्रायंगल, ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना है क्या, नहीं बना हुआ, गलत। इस तरफ जो ट्रायंगल बना है उसमें कहीं चतुर्भुज दिख रहे हैं क्या, नहीं, गलत। इस वाले को अगर देखिए तो ये वाला कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, गलत। इस वाले को देखिए तो ये यहां पे दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, यहां पे तो फिगर बहुत सीधा सीधा था। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि आप घुमा नहीं सकते त्रिभुज, अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा ही त्रिभुज यहां पर दिखना चाहिए था, मतलब इसकी जो नोक है वो नोक ऊपर होनी चाहिए थी और किसी में भी नहीं है। त्रिभुज में नोक एक तो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, एक यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाली लाइन, ये दोनों बराबर नहीं है जबकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये वाला तो पहली नजर में ही दिख रहा है कि गलत है। ये वाले में अगर आप देखो कि ये वाली जो लाइन है, अगर मैं इसके साथ भी अगर इसको मैच कराऊं, इसके साथ अगर मैं मैच कराऊं इस वाले के साथ, तो फिर होना क्या चाहिए था, ये लाइन सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, मतलब ये वाला भी गलत था। उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर, सॉरी, उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा नंबर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, 1921। हाँ अभी देखिए ये पूरा मामला मल्टीप्लिकेशन का है, 19 है, फिर 21 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 134 है, 538 है और 3692 है। अब देखिए आप यहां से 19 से शुरू हुआ है और 2692 तक गया हुआ, ह्यूज डिफरेंस, मतलब मामला गुणे का है, और गुणे का मामला कहां से पकड़ में आता है, लास्ट डिजिट से। अब आप देखिए 500 है और ये 2600 है, मतलब लगभग लगभग कितने गुना है, 5 गुना, 1300 है, 5300 है, 5 गुना तो हो नहीं सकता, मतलब लगभग लगभग 4 गुना, तो ये 5 है तो ये 4 है, तो ये 4 है तो ये 3 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। देखिए 19 से कम 19 और 2 21, ठीक है। यहां अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16, 13 चौके 52 और 1 53, यहां पे भी +2 है, यहां पे भी +2 है। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको क्या करना, गुणे 2 और धन 2, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, क्या करने की बात कर रहा हूं मैं। देखिए यहां मैंने क्या बोला, कितने गुना लगभग लगभग दिख रहा है, 5 गुना, पहले तो देख करके समझ में आ गया कि मामला मल्टीप्लीकेशन का, ये लगभग 5 गुना, ये लगभग 4 गुना, तो यहां पे कितने गुना होना चाहिए, 3 गुना, ये 2 गुना और ये 1 गुना। 1 गुना में 19 से कम 19 दो जोड़ रहा है, एक डाटा तो मुझे ये मिल गया। दूसरा मैंने इसको चेक किया कि 134 में 4 का गुणा करेंगे तो 536 आएगा, लेकिन है 538, मतलब इसमें भी 2 जोड़ दिया। इसको भी अगर देखो तो 5 8 40, 2 जोड़ेगा तभी 42 आएगा, मतलब मामला क्या है, गुणा बढ़ते हुए क्रम में है और साथ में 2 जुड़ता जा रहा है, मुझे यहाँ चाहिए था। तो 21 दूनी 42 और 2 44, अब देखिए 44 में 3 का गुणा करोगे 132, 2 जोड़ दोगे 134, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल फिर से GHIJKL, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, अच्छा उधर दे दिए, यहाँ होगा क्वेश्चन मार्क, लगा लीजिएगा आप लोग भी। देखिए HIJKL, तो H के पहले क्या जाएगा, GF, F, ये कैंसिल, इन दोनों में क्या फर्क है, JJ, देखिए LMNOP, तो जे के एल जे आएगा, ये भी कैंसिल, ई एफ जी एच आई, तो ई के पहले डी, डी के पहले सी, एफ जे सी, ठीक है, जे के छोड़ के एल, एम छोड़ के एन, ठीक है, तो जे, तो आई छोड़ के एच, ये आपका उत्तर, ठीक है। केवल और केवल क्या कर रहा है, वो एक 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 के डिफरेंस से दे रहा है। मामला किसका आ गया, सिलॉक्स का। सिलॉक्स में मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी, अब आप पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं। एक कथन में 2 पद होते हैं, पद के पहले अगर कुछ लगा हुआ है तो उस पद का मान 50, सभी या कोई लगा हुआ है तो मान 100,
पद के बाद अगर है लगा हुआ है तो मान 50, नहीं लगा हुआ है तो मान 100। निष्कर्ष जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो एक कथन से निकला हुआ है कि एक से ज्यादा कथनों से निकला हुआ है। एक कथन से निकला हुआ है तो दो चीजें हैं, जिस पद का मान कथन में 50 है उसका मान निष्कर्ष में 100 नहीं हो सकता, 100 वाले का कुछ भी हो सकता है। सकारात्मक से सकारात्मक निष्कर्ष, नकारात्मक से नकारात्मक निष्कर्ष। एक से ज्यादा पदों से अगर मामला है तो उसमें हम मध्य पद देखते हैं, मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। अब देखिए सभी ग्लव्स बैट है, इसकी वैल्यू कितनी है 100, बैट की वैल्यू कितनी है 50, स्टंप की वैल्यू कितनी है 100, बैट की वैल्यू कितनी है 50, बैट की वैल्यू कितनी है 100, बॉल की वैल्यू कितनी है 50। देखिए अब यहाँ पर मिडिल टर्म यही दोनों है, यहाँ पर भी यही दोनों बैट, लेकिन ये वाला बैट वैलिड नहीं है, ये वाला बैट का मध्य पद वैलिड है। ठीक है, मतलब ग्लव्स और बॉल के बीच में कोई निष्कर्ष अगर मैं निकालना चाहूँ तो 100 और 50 निकल सकता है, लेकिन ग्लव्स और स्टंप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। देखिए सभी स्टंप बॉल है, सभी स्टंप बॉल है, मतलब ये बैट काटना है, ठीक है 100 है, सही है, स्टंप बॉल है, स्टंप की वैल्यू 100, बॉल की वैल्यू 50, बॉल की वैल्यू यहाँ भी 50, बिल्कुल सही। कुछ बॉल ग्लव्स है, बॉल और ग्लव्स, बॉल और ग्लव्स, बैट बैट कैंसिल, कुछ बॉल ग्लव्स है, ये भी 50 है, ये भी सही है। कुछ ग्लव्स स्टंप है, कुछ ग्लव्स स्टंप है, बैट बैट वैलिड नहीं है, ये गलत है। एक और दो अनुसरण करते हैं, उत्तर नंबर एक। अगला सवाल, सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, सात आदमी हैं, ये हो गए दो, तीन चार पांच छह सात, सात लोग हैं। इसमें हमको अंतिम सिरे को देखना है, क्या बोला, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, डी को यहां बैठा दीजिए, ए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर एक दो तीन ए यहां बैठा है, फिर क्या बोला, ए डी के दाईं और बाईं और तीसरे स्थान पर ए और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति, ए और एफ के बीच यहां तो एफ बैठ नहीं सकता, ए और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ए और एफ के बीच दो व्यक्ति, बी एफ के ठीक बगल में है, बगल में इस तरफ कोई जा नहीं सकता, बी एफ के ठीक बगल में है, सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति, सी और डी के बीच अगर एक व्यक्ति बैठाना है तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा, जी ए के ठीक बगल में नहीं है, ए के बगल में नहीं है तो जी यहाँ बैठ जाएगा, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक दो और तीन, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तीन। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको एक सिरा मिल चुका है। फिर वही बात, आर एस एफ जी जे के, जे के ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, फिर आगे देखिए ए जेड पहले का लिया, ए जेड पहले का लिया, यू के पहले टी होता है, टी के टी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही, आई जे एक बार और चेक कर लीजिए, आई जे एल एम एम एन बिल्कुल सही, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, हाँ डाइस, यहां पर देख लीजिए आप, इसके बारे में पूछा हुआ है, चार दर्शाने वाले, चार पांच कॉमन, इसमें पांच कॉमन है, ठीक है, चार का यहां देखिए कॉमन क्या है, पांच और तीन, पांच और तीन, यहां से कितना बचा, चार, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, दो, ये आपका उत्तर है, चार का अपोजिट पूछा हुआ ना, बिल्कुल। दोस्तों यहां पे आकर के हमारा रीजनिंग का ये दसवां पेपर खत्म होता है। पेपर अगर एक नजर में देख कहा जाए तो पेपर काफी सरल था क्योंकि कोडिंग तीन चार आई हुई है, डाइस के सवाल में भी कोई दम नहीं था, इसके अलावा सिटिंग के जो दोनों सवाल थे चाहे वो लीनियर वाला रहा हो चाहे वो सर्कुलर वाला रहा हो इसमें भी दम नहीं था। एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैथमेटिक्स में दो से तीन क्वेश्चन और ठीक ऐसे ही रीजनिंग में भी एक से दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, नहीं तो बाकी के सारे सवाल जो है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। मतलब यहां पर मैं बच्चों से ये उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि रीजनिंग में कम से कम 18 और मैथ में कम से कम 17 सवाल, तो एक एवरेज स्टूडेंट जिसने वाकई तैयारी करके गया होगा वो इन सवालों को लगा सकता था। आपकी क्या स्थिति रही अगर आपने पेपर पिछली बार दिया है तो, और अगर पिछली बार नहीं दिया, आप नए एस्पायरेंट्स के रूप में हैं और पिछली बार पेपर दे चुके हैं तो पिछली बार आपने जो कमियां की थी उन्हीं कमियों को हम इस प्रीवियस सीरीज के माध्यम से सुधारना चाह रहे हैं। मेहनत कीजिए, हमारे साथ लगे रहिए, निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट अगले पेपर में जब आप
पेपर देंगे आपको दिखेगा और आपको अपनी तैयारी में अपने खुद के अंदर एक परिवर्तन दिखेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।